चेयरमैन पीटीआई बरिश्र गोहर का फलस्तीन पर बुलाई गई हुकूमती एपीसी में शिरकत ना करने का फैसला। कहा, मौजूदा सियासी हालात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इस वक्त पीटीआई का कोई मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। पीटीआई ने पहले एपीसी में शरीक होने का फैसला किया था। तो चेयरमैन पीटीआई बरिश्र गोहर का फलस्तीन पर बुलाई गई हुकूमती एपीसी में शिरकत ना करने का फैसला। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फलस्तीन पर हुकूमती जो एपीसी है उससे मुतलिक फैसले में जो है तब्दीली की है और बरिश्र गोहर का एपीसी में शिरकत ना करने का जो है वो ऐलान किया है उन्होंने। और उनकी जानिब से कहा गया कि मौजूदा सियासी हालात में आल पार्टी में शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मरकजी रहनुमा जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, जबकि इससे कबल आज सुबह जो है वो बरिश्र गोहर की जानिब से मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके नुमाइंदों से जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली उनको जो है वो दावतनामा मिला है और उसमें जाएंगे। तमाम पार्टी मुशावरत के बाद अब ये फैसला किया गया है कि हुकूमती एपीसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी नुमाइंदा जो है वो शरीक नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबकार आपका।